सलामी बल्लेबाज उतर चुके हैं यहाँ पर वॉरियर्स की टीम के, दादा साहेब भोसले और सुशील शिंदे। चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। यहाँ पर संकेत ने पहला ओवर लेकर आएंगे। सुशांत लेकर आएंगे पहला ओवर, पावर प्ले का ओवर लेकर आएंगे सुशांत। नायगांव के विजय पावले के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर। सुशील कल की सुबह की पहली मैच होगी ब्लास्टर्स वर्सेस पैंथर्स 8:30 बजे 8:30 शार्प। तो सभी 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है आपका, सभी लोग कैप्टन और प्लेयर्स आपके 15 खिलाड़ी रिपोर्ट करेंगे ग्राउंड में 8 बजे ब्लास्टर्स वर्सेस पैंथर्स। और सभी टीम से भी गुजारिश करूंगा कि 8 बजे बराबर पहले ही बॉल पर रिवर्स ट्राई कर दिया था यहाँ पर दादा साहेब ने, मगर डॉट। अतुल बुआ मैदानात ने माळी सचिनशी संपर्क करा, सचिन पाटणकरशी भेटा इकडे माईक जवळ। अतुल बुआ जिथे कुठे असतील सचिनशी संपर्क करा माईक जवळ। अतुल बुआ फुल आलन डिलीवरी यहाँ पर तेजी से दौड़कर एक रन लिया, एक रन के साथ शुरुआत की यहाँ पर अपने इनिंग्स की, 2 बॉल 1 रन। स्ट्राइक पर है अभी सुशील। फुल टॉस डिलीवरी यहाँ पर लेग साइड पे घुमा के मार दिया यहाँ पर सुशील ने 6 के लिए मैक्सिमम हिट यहाँ पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर सुशील द्वारा बैट से, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक निकलते हुए और इसी के साथ स्कोर को बढ़ा दिया यहाँ पर उन्होंने 7 रन 3 बॉल 7 रन। पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए यहाँ पर सुशील। बॉल के बारे में विश्लेषण दे दूँ जरा तो लो फुल टॉस थी यहाँ पर, अच्छे से पिकअप किया उसको और पहुँचा दिया बॉल सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी, ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे, अपील किया यहाँ पर और इसी के साथ स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट यहाँ पर दिखाते हुए सुशील और वापस से पेविलियन लौटते हुए यहाँ पर सुशील। बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे मगर बाहरी किनारा लगा यहाँ पर बैट का और बहुत ही अच्छी कैच वहाँ पर कीपर द्वारा और इसी के साथ पहला झटका यहाँ पर पावर प्ले में गिरता हुआ वॉरियर्स की टीम को। पहला झटका यहां पर लगता हुआ सुशील के रूप में। अभी वन डाउन बैट्समैन आ चुके हैं प्रसाद खापने, जो कि जाने माने
बल्लेबाज है टेनिस सर्किट के, VGTA बॉयज की तरफ से खेलते हैं, अच्छे ऑलराउंडर, बड़े हिट्स लगाने में माहिर। देखना पड़ेगा क्या इनका बल्ला आज चलता है कि नहीं। सभी टीम को 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग करना है और पहला मैच होगा कल सुबह ब्लास्टर्स वर्सेस पैंथर्स, पहला मैच कल सुबह 8 बजे सभी टीम रिपोर्ट करेंगे यहाँ पर मैदान में। प्रसाद ऑन स्ट्राइक, ओ ऑफ साइड पे खेली गेंद, नीचे रही थोड़ी और डायरेक्ट हिट लगा और इसी के साथ पहले ही गेंद पर विकेट गिरता हुआ यहाँ पर प्रसाद को वापस आउट होकर पेविलियन लौटना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर और पावर प्ले में जो विकेट गिरने का सिलसिला था वो अभी भी जारी है यहाँ पर। इस मैच में भी एक ये पावर प्ले में 2 विकेट गिर चुके हैं अब तक, एक हुआ कैच और एक हुआ रन आउट, बैड लक आउट होते हुए यहाँ पर प्रसाद। बहुत ही अच्छी थ्रो वहां पर अभी की, वो भी VGTA बॉयज की तरफ से खेलते हैं, दोनों ही प्लेयर्स VGTA बॉयज की तरफ से खेलते हैं अभी और प्रसाद। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और दूसरा झटका, 5 गेंदें 7 रन, आखिरी बॉल इस पावर प्ले की ओवर का लेकर आएंगे सुशांत टू दादा साहेब। और ये एज लगी यहां पर पीछे जा रही है शॉर्ट तेडमिन की दिशा में रे गेंद, फील्ड किया यहाँ पर मोनू ने, 1 रन लेने में सफल यहाँ पर और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति 8 रन 2 विकेट के नुकसान में। ओमकार बैटिंग करने उतरे, ओमकार और दादा साहेब। शेवटचा सामने लवकर लवकर करायचा आहे, नाहीतर अंधार होऊ शकतो नंतर सेकंड इनिंग्समध्ये। घाई करायची आहे, पंचांना विनंती आहे लवकरात लवकर खेळ संपवायचा आहे, अर्जन्सी दाखवायची आहे जरा। अगली ओवर शॉर्ट ऑफ फुलर लेन डिलीवरी यहाँ पर लेग साइड में हल्के हाथों से खेल दिया यहाँ पर दादा साहेब ने, बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर अभी की। अभी जाधव अच्छे जाने माने गेंदबाज, स्ट्राइक पर है ओमकार, बड़े हिट्स लगाने में माहिर दोनों ही बैट्समैन। इसी बीच अगली गेंद और ये ऑफ साइड पे खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और बहुत ही अच्छी तरह से जज करके कैच पकड़ लिया वहां पर और इसी के साथ आउट होकर वापस से पेविलियन लौटना पड़ेगा यहाँ पर ओमकार को। बहुत ही अच्छी कैच वहां पर भूषण द्वारा, पीछे जाते हुए यहाँ पर रनिंग कैच अच्छी तरह से जज की उन्होंने और इसी के साथ तीसरा झटका यहाँ पर गिरता हुआ। अगले बैट्समैन आए हैं रमेश, अगले बैट्समैन आए हैं रमेश, जाने माने खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी, बड़े हिट्स लगाने में माहिर
लगता है उनका बैट चलेगा तो 6-4 की बरसात हो सकती है यहाँ पर। स्कोर हो चुका है 9 रन, 2 बॉल 9 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत की यहाँ पर अभी ने। बैट थोड़ा चेंज करते हुए यहाँ पर दादा साहेब, रमेश ऑन स्ट्राइक और लेग साइड पे उठा के मार दिया। यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है गेंद, तेजी से दौड़कर 1 रन लिया वहां पर रमेश ने। दादा साहेब दूसरे रन के लिए दौड़ चुके थे मगर नहीं मिलेगा, उसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 10 रन, 3 बॉल 10 रन। अभी की तीसरी गेंद थी ये, अभी चौथी गेंद लेकर आएंगे अभी टू दादा साहेब। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी ऑफ साइड पे खेल दिया यहाँ पर पॉइंट की दिशा में। एक रन, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 11 रन, 11, 4 बॉल। शॉर्ट डिलीवरी लेग साइड पे उठा के मार दिया यहाँ पर, फाइन लेग के खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पर, फील्ड किया 1 बाउंस, 1 रन लेने में सफल यहाँ पर रमेश। स्कोर बढ़कर हो चुका है 12 रन, लास्ट बॉल 1 to go। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर लॉन्ग ऑफ को थोड़ा वाइड रखते हुए, और ये रिवर्स ट्राई किया है दादा साहब ने, और बहुत ही अच्छी शॉट वहां पर, और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर, और इसी 6 रन के साथ बहुत ही अच्छी शुरुआत में देते हुए यहाँ पर दादा साहेब अपनी टीम के लिए, और उसी 6 रन के साथ स्कोर हो चुका है 18 रन, 2 ओवर की समाप्ति 18 रन, 2 ओवर की समाप्ति 18 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी टिके हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए दादा साहेब। तीसरा ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर अप्पा, स्वप्निल सावंत आएंगे तीसरा ओवर लेकर यहाँ पर अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पर है रमेश, नॉन स्ट्राइक पर दादा साहेब। पहली गेंद और ये लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, अच्छी पेस वहां पर दिखाते हुए यहाँ पर, अच्छी पेस का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर स्वप्निल, स्वप्निल सावंत। अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवरी, अच्छा स्टार्ट वहां पर ओवर का। इसके पहले वाले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। इसी बीच अगली गेंद, लो फुल टॉस यहाँ पर घुमा के मारना चाहते थे यहाँ पर, मिस होते हुई कीपर से। 1 रन लेने में सफल यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, और स्ट्राइक रोटेट करते हुए वापस स्ट्राइक दे दिया यहाँ पर दादा साहेब को। स्कोर बढ़कर हो चुका है 19 रन, 19-19। दो बॉल, लेग साइड पे उठा के मार दिया यहाँ पर, फाइन लेग की दिशा में जा रही है गेंद। इसी के साथ बहुत ही अच्छा शॉट वहाँ पर, 6 का इशारा अंपायर का, और इसी के साथ स्कोरबोर्ड में और आगे लेके जाते हुए यहाँ पर स्कोरबोर्ड में रनों की बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर स्कोर बढ़कर हो चुका है 25 रन। बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर शफल की दिया और फाइन लेग के ऊपर से मार दिया 6 रनों के लिए।
अच्छी शॉट, अच्छी शफल शॉट, थोड़ा सा यहाँ पर फील्ड में परिवर्तन करते हुए वापस उस शॉट की वजह से। स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 25 रन। अच्छी शुरुआत इस ओवर में, पहले दो गेंदें बहुत अच्छी डाली थी यहाँ पर, मगर अच्छे से शॉट लगा दिया यहाँ पर शफल करके दादा साहेब ने। 3 बॉल 25 रन, अच्छी शुरुआत दादा साहेब द्वारा। इसी बीच अगली गेंद लो फुल टॉस डिलीवरी यहाँ पर फुलर लेंथ, दौड़ के एक रन ले लिया यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंच गया है 26। लो फुल टॉस थी, रिवर्स खेलना चाहते थे, रिवर्स अटेम्प्ट किया था मगर संपर्क नहीं हुआ बैट से बॉल का ठीक तरह से, पर एक रन जरूर मिलेगा। अगली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी यहां पर बॉलर के पास जाती हुई गेंद, और देखना पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छी विकेट वहां पर रन आउट लेते हुए यहां पर खुद ही कनेक्ट करके, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ रन आउट के तौर पर यहां पर विकेट गिरता हुआ रमेश का। अच्छी फील्डिंग वहां पर स्वप्निल सावंत की। अगले बैट्समैन आ चुके हैं क्रीज पर, शुभम। शुभम नॉन स्ट्राइकर पे रहेंगे, स्ट्राइक पे है अभी भी दादा साहेब, जिनको एंड तक रहना पड़ेगा। अगर कोई रेस्पेक्टेबल टोटल बनाना है टीम को तो उनको एंड तक बैटिंग करना बहुत जरूरी। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी ऑफ साइड पे खेल दिया यहाँ पर पॉइंट की दिशा में, तेजी से दौड़कर एक रन लेने में सफल, और इसी के साथ 27 रन हो चुके हैं अब तक ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 27 रन, 9 के रन रेट से खेल रही है यहाँ पर टीम। जल्दी जल्दी खेलना है मैच क्योंकि इसके बाद सेकेंड इनिंग भी होने वाला है तो शायद अंधेरा हो जाएगा, इसके लिए जल्दी से जल्दी फील्ड प्लेसमेंट करना है और बॉलिंग बैटिंग भी करना है उसी तरह। बॉलिंग के लिए वापस आ चुके हैं यहाँ पर सुशांत। सुशांत अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे वापस, और अपने टीम की तरफ से चौथा ओवर व्यक्तिगत दूसरा। स्ट्राइक पर रहेंगे दादा साहेब। दादा साहेब ऑन स्ट्राइक, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे यहाँ पर, और बड़े हिट्स लगाने की कोशिश करेंगे ताकि अपने टीम को कोई एक रेस्पेक्टेबल टोटल के पास पहुँचा सके। अभी फिर भी अच्छी स्कोरिंग चल रही है यहाँ पर, 9 रन के हिसाब से, 9 रन पर ओवर के हिसाब से खेलते हुए यहाँ पर अब तक वॉरियर्स की टीम। सुशांत अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर। और ये बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गैप निकाल के मार दिया है, बॉल जा रही है 1 बाउंस 2 बाउंस और चली गई बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर इनसाइड आउट खेल दिया दादा साहेब ने, पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर अभी अपने टीम का पूरा दारोमदार अभी दादा साहेब के कंधों पर, और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 31। 31 रन हो चुके हैं अभी। एक बॉल पहली गेंद थी चौथे ओवर की, अच्छा शॉट लगाया हुआ है पर इनसाइड आउट टुवर्ड्स द बाउंड्री। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन अभी करते हुए यहां पर लॉन्ग ऑफ को पीछे ढकेला है।
दूसरी गेंद रिवर्स ट्राई किया यहां पर, मगर संपर्क नहीं हुआ और इसी के साथ आउट होकर वापस जाना पड़ेगा यहां पर दादा साहेब को। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, ब्लॉक होल में थी डिलीवरी, मिस कर दिया दादा साहेब ने और अंपायर का इशारा आउट। और इसी के साथ एक और झटका, बहुत बड़ा झटका यहां पर लगते हुए दादा साहेब के तौर पर। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उम्दा बैटिंग कर रहे थे, मगर आउट करार दे दिए गए हैं यहां पर लेग बिफोर। और इसी के साथ वापस निराश होकर पेविलियन लौटना पड़ेगा उन्हें। स्कोर हो चुका है 31 रन 31। पांच विकेट के नुकसान पर 31। अगले बैट्समैन आए हैं क्रीज पर। परब अभी हर एक सिक्स के ऊपर ₹500 का इनाम घोषित किया यहां पर संकेत पालंडे के तरफ से। संकेत पालंडे की तरफ से हर एक सिक्स को ₹501 का नगद इनाम दिया जाएगा यहां पर अभी लगने वाले हर एक सिक्स को। सिर्फ नारायण परब के लिए, सॉरी ये ऑफर है सिर्फ नारायण परब के लिए। उनके बैट से अगर छक्का निकलता है तो पालंडे जी की तरफ से ₹501 का नगद पुरस्कार। दो बॉल 31 रन। जल्दी से जल्दी फील्ड प्लेसमेंट करना है, टाइम की बहुत कमी है। सुशांत थोड़ा सा टाइम लेते हुए यहां पर फील्ड प्लेसमेंट करने के लिए। फुल अलन डिलीवरी सीधे उठा के मारना चाहते थे, संपर्क नहीं हो पाया बैट से बॉल का। इसी के साथ एक डॉट बॉल, बहुत ही प्रीशियस डॉट बॉल हो सकता है ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। अच्छी तरह से खींचा है अपनी तरफ यहाँ पर बॉलिंग की टीम ने। पहले ही गेंद पर चौका लगा था मगर दो डॉट बॉल आए हैं इसके बाद। स्कोर रुक चुका है 31। 31 रन केवल और केवल 4 रन आए इस ओवर में अब तक। और ये लेग साइड पे घुमा दिया यहाँ पर गेंद, जा रही है बॉल फाइन लेग की दिशा में, बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। 4 रन अंपायर का इशारा 4, और इसी 4 के साथ स्कोर वापस बढ़कर पहुंच गया है 35 रन। बहुत ही अच्छी शॉट वहां पर लेग साइड पे घुमा दिया था बैट्समैन ने। परब ने चौके के लिए भी कोई प्राइस है कि नहीं ऐसे पूछ रहे हैं दर्शक। स्कोर बढ़कर हो चुका है 35 रन 35। 4 बॉल अगली गेंद लोअर फुल टॉस डिलीवरी यहां पर सीधे खेल दिया यहां पर परब ने। 1 रन लेने में सफल, दूसरा रन लेना चाहते थे यहां पर शुभम मगर नहीं मिलेगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 36 रन। 5 बॉल 36 रन। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। छत्तीस रन आखिरी गेंद, शुभम ऑन स्ट्राइक। ओ बाहर गिरी गेंद, देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड प्लस 1 वेवर डिलीवरी। लेग साइड में शॉट फाइन लेग की दिशा में खड़े हैं मोनू सिंह, जिनके पास अभी तक एक भी गेंद नहीं आई। अच्छी तरह से फील्डिंग करते हुए यहां पर फील्ड का प्रदर्शन। आखिरी गेंद और लेग साइड पे मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, गैप में खेल दिया है, गैप को भेद दिया यहां पर, देखना पड़ेगा फील्ड होता है कि नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर स्वप्निल की,
मगर दो रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। इसी दो रन के साथ चार ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 39। चार ओवर की समाप्ति 40 रन। चार ओवर 40 रन। आखिरी ओवर शॉर्ट पिच डिलीवरी यहाँ पर लेग साइड पे खेल दिया, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कैच, वहाँ पर उम्दा कैच, और इसी के साथ शुभम आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए संकेत देवरुखकर जो कि कप्तान है अपना आखिरी ओवर टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर आएंगे संकेत, जिन्होंने पहले ही विकेट में झटका लगा दिया यहाँ पर वॉरियर्स की टीम के लिए, और इसी के साथ वॉरियर्स के 6 विकेट गिर चुके हैं अब तक 6। और अगले बैट्समैन आए हैं अशोक नाइक, स्ट्राइक पर रहेंगे। 5 गेंदे अभी भी बाकी यहाँ पर, इस ओवर की 5 गेंदों में क्या कमाल कर पाते हैं देखना जरूर पड़ेगा। यहाँ पर आठवें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अशोक नाइक, जो कि रोज सुबह आके प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, देखना पड़ेगा यहाँ पर प्रैक्टिस रंग ला पाती है या नहीं, प्रैक्टिस में जो भी खेला है वो। संकेत टू अशोक, 5 गेंदे बाकी अभी आखिरी ओवर, शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी यहां पर लेग साइड पे खेल दिया है, प्लेस कर दिया यहां पर, एक रन तेजी से लिया है, दूसरा रन लेना चाहते हैं यहां पर बट मिलेगा नहीं, वापस भेजा यहां पर परब ने अशोक को। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 41। 4 गेंदे अभी भी बाकी, पिछले मैच में वॉरियर्स की टीम के सभी बैट्समैन को बैटिंग मिला था पहली मैच में, इस बार वैसा नहीं है। और लेग साइड पे घुमा के मार दिया यहाँ पर परब जी ने, और इसी के साथ बहुत ही अच्छी कैच वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, और निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर परब को, और इसी के साथ एक और झटका यहाँ पर गिरता हुआ, 7 विकेट गिर चुके यहाँ पर, स्कोर हो चुका है 41। अच्छी गेंदबाजी वहां पर संकेत की, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, लेग साइड पे घुमा दिया था, थोड़ी सी पावर में कमी रह गई और कैच ले लिया यहाँ पर स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने। ओमकार आ चुके हैं अभी बल्लेबाजी करने के लिए, तीन बॉल हो चुके हैं, 3 गेंदे बाकी, स्कोर हो चुका है 41। दूसरे ओमकार आ चुके हैं यहां पर बैटिंग करने के लिए, 3 गेंदे अभी भी बाकी। संकेत बहुत ही अच्छी ओवर डालते हुए यहां पर अपनी टीम के लिए, शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी मगर बाहरी किनारा लगा यहाँ पर, और इसी के साथ ओमकार बिना कुछ करते हुए, बिना खाता खोले हुए यहाँ पर वापस से पेविलियन लौटेंगे यहाँ पर, और इसी के साथ 8वां विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। जैसे कि मैंने कहा था पहले मैच में सभी बैट्समैन को बैटिंग मिला था, अभी भी शायद उसी रुख पर जाते हुए यहाँ पर वॉरियर्स की टीम, 10वें नंबर के खिलाड़ी अभी आ रहे हैं स्ट्राइक पर मयूर, अभी भी 2 गेंदे बाकी, पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों को भी बैटिंग मिल सकता है। दो गेंदे बाकी, स्कोर रुक चुका है 41 पे। इस ओवर में केवल और केवल एक ही रन आया अभी तक, 2 गेंदे अभी भी बाकी। संकेत शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी लेग साइड पे खेल दिया यहां पर मिड विकेट की दिशा में, तेजी से दौड़कर एक रन लिया यहाँ पर, दूसरा रन लेने के लिए भी दौड़ चुके हैं यहाँ पर, और
दूसरा रन भी पूरा कर लिया यहाँ पर, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पर अशोक और मयूर की, दो रन चुरा लिया और उसी दो रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 43 तीन ही रन आए अब तक इस ओवर में। और इसी के साथ डॉट बॉल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, छोड़ दिया यहाँ पर बल्लेबाज ने, सोचा कि वाइड है मगर वाइड नहीं था, अंदर ट्रैम्प लाइन के अंदर थी गेंद। और इसी के साथ पांच ओवर की समाप्ति, 43 रन हो चुके हैं, 44 रनों का लक्ष्य का पीछा करेंगे यहाँ पर चैलेंजर्स की टीम, वॉरियर्स की टीम 43 रन पर सिमट गई। लवकरात लवकर फिल्डिंग लावायचं आहे वॉरियर्सची टीम, अंदर होत चाललं आहे, लवकरात लवकर मॅच संपवायचं आहे, पाच ओव्हर खेळवायचे आहेत आपल्याला, लवकरात लवकर ग्राउंडमध्ये उतरायचं आहे आणि फिल्डिंग लावायचं आहे। आणि तसंच चॅलेंजर्सच्या टीमला मी रिक्वेस्ट करतो लवकरात लवकर आपले ओपनिंग बॅट्समॅन पाठवायचे आहेत, चॅलेंजर्सची टीम लवकरात लवकर आपले ओपनिंग बॅट्समॅन पाठवायचे आहेत। टाइम लाईन कमी आहे, चवालीस रनों का पीछा करेंगे यहाँ पर चैलेंजर्स की टीम, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। पांच ओवर में 44 रनों की जरूरत यहां पर मैच जीतने के लिए चैलेंजर्स की टीम को। जल्दी से जल्दी अपने ओपनिंग बैट्समैन भेजने यहां पर चैलेंजर्स, लवकरात लवकर आपले बैट्समैन पाठवायचे आहेत, ओपनिंग बैट्समैन पाठवायचे आहेत लवकरात लवकर। मैच सुरू करायची आहे लवकरात लवकर, अंधार होत चाललाय, ओपनिंग जोड़ी यहाँ पर, सलामी जोड़ी यहाँ पर उतर चुकी है ग्राउंड में। ओपनिंग बैट्समैन संकेत और सचिन उर्फ अप्पा, लवकरात लवकर फील्डिंग लावायचं आहे, कल सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग होगा और पहली मैच जो शुरू होगी वो है ब्लास्टर्स वर्सेस पैंथर्स, पुरंदरे ब्लास्टर्स वर्सेस पुरंदरे पैंथर्स, विक्रम कांबळे वर्सेस शुभम यादव वर्सेस विक्रम कांबळे, बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला होने वाला है, कल सुबह 8 बजे शुरू होगा वो मुकाबला। और सभी टीम को गुजारिश करूंगा कि 8 बजे सभी टीम्स ग्राउंड में हाजिर रहिएगा। दादा साहेब भोसले लेके आएंगे अपना पहला ओवर, पावर प्ले में ओवर बॉलिंग करेंगे यहां पर। स्ट्राइक पर है संकेत, टीम के कैप्टन संकेत देवरुखकर, नॉन स्ट्राइक पर है सचिन। इसी के साथ पहली गेंद दादा साहेब, ओ प्ले एंड अ मिस, फुलर लेंथ डिलीवरी थी, सीधा खेलना चाहते थे मिड ऑन की दिशा में, बॉल का संपर्क नहीं हुआ। इसी के साथ डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए यहाँ पर दादा साहेब,
फुलर डिलीवरी आगे आके मारना चाहते थे, बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर, राइज करती हुई गेंद, इसी के साथ एक और डॉट बॉल, दो बैक टू बैक डॉट बॉल्स डालते हुए यहां पर दादा साहेब। स्ट्राइक पर है संकेत, कुछ अलग करने की कोशिश, आगे आके मारने की कोशिश, मगर कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से। तीसरी गेंद पावर प्ले की, ओ इनकमिंग डिलीवरी, बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखने मिल रही है यहाँ पर हमें दादा साहेब के तरफ से। पहले बैटिंग भी बहुत ही अच्छी की थी उन्होंने, हालांकि रिवर्स शॉट मारने के वजह से आउट हो चुके यहाँ पर लेग बिफोर, बट उसी तरह से अच्छी कारगिरी करते हुए यहाँ पर बॉलिंग में तीन गेंदे, डॉट बॉल्स, बैक टू बैक डॉट बॉल्स, हैट्रिक ऑफ डॉट बॉल्स कहना चाहूँगा। अच्छी शुरुआत देते हुए यहाँ पर अपने टीम को, लक्ष्य उतना बड़ा नहीं इसीलिए, और लो फुलटॉस यहाँ पर लेग साइड पे घुमा दिया, यहाँ पर बॉल जा रही है और प्लेयर ने थोड़ी सी हल्की सी मिसजजमेंट कर दी यहाँ पर, और बॉल गई उनके सिर के ऊपर से चार रनों के लिए। अच्छी शुरुआत, चौके के साथ शुरुआत करेंगे यहाँ पर, चार गेंदों में चार रन। अच्छी शॉट वहां पर, लो फुल टॉस थी, पूरा फायदा उठाया यहाँ पर पावर प्ले का, हल्की सी मिसजजमेंट होती हुई यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी की, और चौका संकेत के बैट से निकलता हुआ, और ये बहुत ही अच्छी डिलीवरी, बहुत ही अच्छी कमबैक डिलीवरी यहाँ पर कहना चाहूंगा मैं दादा साहेब के तरफ से। पीछे मारना चाहते थे यहाँ पर, अपर कट खेलना चाहते थे यहाँ पर संकेत, मगर कनेक्शन नहीं हो पाया, और इसी के साथ एक और डॉट बॉल, पांच बॉल चार रन। पावर प्ले का ओवर शुरू, ओ फुलर लैंड डिलीवरी, अच्छी डिलीवरी, लेग बाइस का इशारा अंपायर का, इसी लेग बाइस के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पावर प्ले की, बहुत ही अच्छी ओवर डाली, पांच रन, एक ओवर पांच रन बिना किसी नुकसान के। पहली ओवर की समाप्ति पांच रन, जल्दी से जल्दी फील्डिंग की सजावट कीजिएगा, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी खिलाना है अंपायर मैचेस। दूसरा ओवर लेकर आएंगे मयूर, राइट हैंडेड गेंदबाज, बॉलिंग करेंगे संकेत को, जिन्होंने पिछले ओवर में स्ट्राइक अपने पास ही रखा था, आखिरी गेंद पर एक रन लेके स्ट्राइक खुद के पास रखा है दूसरे ओवर में भी, और उसी तरह नॉन स्ट्राइकर के एंड पर है सचिन, जिन्हें अभी तक एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। प्रशांत दाभोलकर जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत पुरंदरे एकता चषक 2022 में तरफ से। प्रशांत दाभोलकर कुठे ही असतील, मंचवर यायचं आहे, तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत पुरंदरे सेवा समिती। लवकरात लवकर खेळवायचं आहे मॅच, उशीर होतोय, चार ओवर अजून टाकायचे आहेत। दुसरा ओवर लेकर आ रहे हैं मयूर, स्ट्राइक पर है संकेत, फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यहां पर दादा साहेब, प्लेयर्स को जरा मूव करते हुए, रमेश को यहां से भाग। पंच आपल्याला विनंती आहे, अजून चार षटक बाकी आहेत, फिल्डिंग साठी वेळ लावला जातोय, दोन्ही संघांना विनंती आहे त्वरित करायचे।
बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर मयूर की, फुट प्लेसमेंट नहीं हुआ यहाँ पर, पैर नहीं हिले यहाँ पर संकेत के, खड़े खड़े खेलना चाहते थे यहाँ पर ऑफ साइड में, कदमों का इस्तेमाल नहीं हो पाया, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो पाया, इसी के साथ डॉट बॉल और रिवर्स ट्राई किया यहाँ पर, रिवर्स शॉट लग गया यहाँ पर, देखना पड़ेगा क्या होता है, बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए, वन बाउंस गई पीछे गेंद और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 9 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत देते हुए यहाँ पर संकेत देवरुखकर अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत देते हुए। शॉर्ट डिलीवरी थी, रिवर्स खेल दिया, अच्छा कनेक्शन वहां पर और 4 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर संकेत को। इसी बीच 2 बॉल 9 रन हो चुके हैं अब तक, ऑफ साइड पे खेल दिया यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, तेजी से दौड़कर 1 रन लिया संकेत ने, स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 10 रन, 3 बॉल 10 रन। हर गेंद पर फील्ड का परिवर्तन करते हुए यहाँ पर, फील्ड में थोड़ी से बदलाव करते हुए यहाँ पर बॉलर, ओ बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, पेस नहीं दिया यहाँ पर बैट्समैन को, चकमा दे दिया यहाँ पर बैट्समैन को, बहुत ही अच्छी डिलीवरी मयूर की, इसी के साथ एक डॉट बॉल मिलते हुए यहाँ पर 4 बॉल 10 रन, 6 रन के रन रेट के हिसाब से खेलती हुई यहाँ पर चैलेंजर्स की टीम, अभी तक कोई भी विकेट नहीं खोया अभी तक। ओ फुलर लेन डिलीवरी, यॉर्कर लेन डिलीवरी और इसी के साथ पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ, सचिन आउट होकर, LBW आउट होकर वापस पेविलियन लौटेंगे। बहुत ही अच्छी डिलीवरी, गेम बॉल का विश्लेषण दे दूं तो फुलर लेन डिलीवरी थी, ब्लॉक होल में पैर को लगा और LBW आउट, इसी के साथ पहला झटका, 10 रन 1 विकेट, 5 गेंदे हो चुके, 1 गेंद अभी भी बाकी। बैटिंग करने आए हैं राज, 5 बॉल 10 रन, आखिरी गेंद इस ओवर का, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है अब तक मयूर ने, केवल एक चौका दिया और एक सिंगल दिया था, 5 रन दिए हैं 5 गेंदों में। जल्दी से जल्दी फील्डिंग की सजावट करनी है यहाँ पर, टाइम बहुत कम है और इसके बाद और 3 ओवर खिलाने हैं। वापस से परिवर्तन करते हुए फील्ड में, यहां से वहां, वहां से यहां, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज राज सामना करेंगे पहली बार मयूर का, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर हो चुका है 10 रन। शफल करके लेग साइड पे घुमा दिया है यहां पर, रमेश की तरफ जा रही है गेंद, देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं, नहीं हुआ कैच और मगर 1 रन जरूर मिलेगा इसी 1 रन के साथ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, अच्छी शॉट वहां पर कैच हो सकता था मगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से। 3 ओवर अभी भी बाकी, 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन, चवालीस रनों का टारगेट, लवकरात लवकर फील्डिंग करायचं, टीम मीटिंग करायचं नाही आहे, टीम मीटिंग मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगाइए, 3 ओवर अभी भी खिलाने हैं यहाँ पर, अंधेरा होते जा रहा है। दादा साहेब अपना दूसरा ओवर, व्यक्तिगत दूसरा ओवर और टीम के लिए 3रा ओवर लेकर आएंगे, बॉल आउट कर देंगे यहाँ पर दादा साहेब। स्कोर हो चुका है 11 रन, अभी भी 3 ओवर में 33 रनों की जरूरत, 44 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है यहाँ पर चैलेंजर्स की टीम। 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन,
सचिन पाटनकर यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक लेते हुए, ग्लूकॉन डी लेते हुए, दोनों ही मैच बहुत ही उम्दा जीते हैं, वो टॉप कर दिया है वहाँ पर अभी तक ग्रुप में उन्होंने। इसी बीच तीसरी ओवर की पहली गेंद, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में, एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। अच्छी शुरुआत यहाँ पर दादा साहेब की तरफ से, अच्छी बॉलिंग, एक बॉल 12 रन, अच्छा रन रेट को चेक में रखा है यहाँ पर बॉलिंग टीम ने, कोई भी लूज डिलीवरीज नहीं दे रहे यहाँ पर, हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों को। धीरे धीरे रनों की गति को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, संकेत है अभी तक क्रीज पर डटे हुए, टीम के कप्तान संकेत देवरुखकर ऑन स्ट्राइक, और लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, अतिरिक्त उछाल यहाँ पर मिलते हुए दादा साहेब को, और इसी के साथ एक और डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, स्कोर रुक चुका है 12 रन पे, 32 रनों की अभी भी जरूरत, 16 गेंदों में 32 रनों की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए। ओ बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डिलीवरी थी, अतिरिक्त उछाल यहाँ पर मिलता हुआ, लंबे कद के बॉलर है यहाँ पर दादा साहेब, उसी का फायदा पूरी तरह से उठाते हुए अतिरिक्त उछाल, एक्स्ट्रा बाउंस जिसे हम कहते हैं, वो मिलता हुआ और एक और डॉट बॉल अपनी टीम के लिए हासिल करते हुए। 3 बॉल, शॉर्ट डिलीवरी यहाँ पर लेग साइड पे उठा दिया, यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या होता है, और बहुत ही अच्छी एफर्ट वहां पर अशोक की, मगर कैच लपक नहीं पाए, अच्छी एफर्ट वहां पर कैच पकड़नी चाहिए थी, मगर दो रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज, कैच हो सकता था, वो अच्छा कैच हो सकता था, मगर बॉल हाथ को लग के नीचे गिर गई, वहां के वॉलंटियर्स देखना पड़ेगा क्या डिसीजन होता है अंपायर का। स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 14 रन पे, 4 बॉल, आगे आके मार दिया यहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, तेजी से दौड़कर एक रन लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं यहां पर, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर दोनों ही बल्लेबाज के बीच में, संकेत और राज के बीच में, इसी 2 रन के साथ स्कोर की बढ़ोतरी होते हुए पहुंच गया है 16 रन, 5 बॉल, बहुत ही अच्छा ओवर डाला है अब तक यहाँ पर दादा साहेब ने, केवल और केवल 5 रन दिए यहाँ पर इस ओवर में, 5 गेंदों में, अभी एक गेंद और बाकी, अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर दादा साहेब आखिरी स्पेल का आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, उम्दा बॉलिंग यहाँ पर दादा साहेब की, अच्छे से क्लोज किया यहाँ पर अपने स्पेल को, और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 16 रन, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है अब तक फर्स्ट अप दादा साहेब ने, अभी भी 12 गेंदे, गेंदों में 28 रनों की जरूरत, 44 रन का टारगेट है यहाँ पर, 44 रन का लक्ष्य का पीछा करेंगे यहाँ पर चैलेंजर्स की टीम, जो कि अभी उनको बिग हिट्स लगाने पड़ेंगे, बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है तो, 28 रनों की दरकार यहाँ पर, 14 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर उनको आखिरी के 2 ओवर में। अभी बॉलिंग का जिम्मा दिया है यहाँ पर ओमकार, ओमकार को दी है जिम्मेदारी यहाँ पर बॉलिंग के लिए, 2 ओवर बाकी, 2 ओवर में 28 रनों की जरूरत जीतने के लिए मैच को, क्या
ओमकार अपनी टीम के लिए मैच बना पाते हैं या नहीं, डिफेंड कर पाते हैं नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। पेनल्टीमेट ओवर लेकर आएंगे अभी यहाँ पर ओमकार टू राज। राज जिन्होंने अभी तक अपने हाथ खोले नहीं है, बिग हिट्स लगाए नहीं अभी तक कुछ, उनको अभी अपने हाथ खोलने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट है जो वो ऊपर जाता हुआ तेजी से शफल करके लेग साइड पे मारना चाहते थे यहाँ पर। डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद वहाँ पर शफल करके लेग साइड पे घुमाना चाहते थे मगर संपर्क नहीं हुआ बैट का बॉल से। अच्छी डॉट बॉल यहाँ पर, टाइम पे डॉट बॉल डाला है यहाँ पर ओमकार ने। अभी भी 11 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, 11 गेंदों में 28 रनों की अभी भी जरूरत है यहाँ पर। अच्छी बॉलिंग की वहां पर फर्स्ट अप दादा साहेब भोसले ने। अगली गेंद वापस से शफल होके खेलना चाहते थे यहाँ पर, गेंद लगी है पैर पे और अपील हो रहा है यहाँ पर लेग बिफोर के लिए मगर लेग बाइस का इशारा अंपायर का, लेग बाइस के तौर पर ये रन मिलेगा। स्कोर बोर्ड टिकिंग करते हुए यहाँ पर स्कोर पहुंच गया है 17 रन, 10 गेंदे बाकी इस इनिंग्स की, 17 रन हो चुके हैं, 27 रनों की अभी भी जरूरत। बिग हिट्स लगाने पड़ेंगे, बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पर मैच को बनाना है तो। थोड़े से फील्डर्स को अंदर लेते हुए यहाँ पर कीपर शफल करके लेग साइड पे मार दिया है यहाँ पर, देखना पड़ेगा क्या होता है। वन बाउंस कलेक्ट किया यहाँ पर प्लेयर ने और बहुत ही अच्छी थ्रो वहाँ पर, बट बैट्समैन पहुँच चुके, सेफ खेला उन्होंने, वन बाउंस लिया, कैच के लिए गए नहीं मगर दो रन लेने से रोक नहीं पाएंगे यहाँ पर संकेत को। इसी दो रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुँच गया है 19 रन, 3 गेंदे बाकी। शफल करके लेग साइड पे घुमा दिया यहाँ पर, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी तेजी से दौड़कर फील्ड करेंगे दादा साहेब और बहुत ही अच्छी थ्रो वहाँ पर, उम्दा थ्रो मगर वैसी तरह खराब पिकअप वहाँ पर सुशील का। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पिकअप कर पाते तो शायद यहाँ पर एक विकेट मिल सकता था उन्हें मगर दो रन लेने में दोनों ही बैट्समैन सफल। इसी दो रन के साथ स्कोर वापस बढ़कर हो चुका है 21 रन, 21, 4 बॉल 21, अभी भी 23 रनों की जरूरत, 8 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। ये जो विश्लेषण है 8 गेंदे 23 रन, ये हमने पहले भी देख लिया है यहाँ पर पिछले मैच में और अभी भी वही इक्वेशन हमारे सामने आते हुए। रिवर्स स्ट्राइक किया यहाँ पर, बैट का संपर्क नहीं हुआ बॉल से और एक और डॉट बॉल यहाँ पर, प्रीशियस डॉट बॉल, टाइम पे डॉट बॉल डाला यहाँ पर, पेनल्टीमेट ओवर डाल रहे यहाँ पर ओमकार। अच्छी ओवर डाली है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए, एक भी बाउंड्रीज नहीं खाई है अभी तक और इस गेंद पर बाउंड्री लगनी बहुत जरूरी अगर मैच में बने रहना है तो। लेग साइड पे घुमा के मार दिया है, देखना पड़ेगा क्या होता है। दादा साहेब दौड़ चुके हैं बॉल के लिए और इसी के साथ बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर। वन बाउंस 4 रन, इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 25 रन और 6 गेंदों में, आखिरी ओवर 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत होगी अभी यहां पर मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदे 19 रन, आखिरी ओवर का जिम्मा सौंपा है यहाँ पर सुशील को, सुशील शिंदे। 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत यहाँ पर अभी भी मैच को जीतने के लिए। बड़े हिट जरूर लगाने पड़ेंगे यहाँ पर मैच को जीतना है तो। पहले ही गेंद से प्रहार करना पड़ेगा यहाँ पर राज को,
फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर बिल्ली लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अंदर ले लिया है और पीछे जा रहे हैं डीप पॉइंट की दिशा में। लेंथ एज्यूम करना पड़ेगा अभी कौन से लेंथ डालते हैं यहाँ पर, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। मैच को जीतना है तो दोनों ही टीम को चांस है जीतने के लिए। पहली गेंद और इसी के साथ हाथ में थमा दिया यहाँ पर बॉल और इसी के साथ राज को आउट होकर वापस, निराश होकर वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छी डिलीवरी, आउटस्विंग डिलीवरी, पुश किया बॉल को, लूज शॉट कहूँगा मैं, पुश किया बॉल को हल्के हाथों से और बॉल लगी आउटसाइड एज और बहुत ही अच्छी कैच वहाँ पर, आसान सा कैच पकड़ लिया वहाँ पर प्रसाद ने। पांच गेंदों में 19 रनों की अभी भी जरूरत। अभी आए हैं स्वप्निल, स्वप्निल सावंत, देखना पड़ेगा क्या वो बड़े हिट्स लगा पाते हैं। पहले ही गेंद से बड़े हिट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, पांच गेंदों में 19 रनों की जरूरत, तीन बड़े हिट लगाने पड़ेंगे वहां पर मैक्सिमम तो शायद उनका मैच बने। सचिन पाटनकर की तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम मिलेगा अगर स्वप्निल सावंत ने मैच जीता दिया अपनी टीम के लिए छक्के मार के। तो और बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, देखना पड़ेगा क्या होता है, फील्डर लपक चुके हैं उसके सामने, सेफ गिरी नो मैंस लैंड पर गेंद, मगर दो रन लेने में सफल यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। सत्रह रनों की जरूरत, चार गेंदों में 17 रनों की जरूरत यहां पर, सिक्सेस लगाने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है तो। चार गेंदे तीन सिक्सेस, चार बॉल तीन सिक्स, सिंपल इक्वेशन है, चार बॉल में तीन सिक्स। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी यहां पर, शफल करते हुए थोड़ा हल्के से शफल करते हुए बैट्समैन, इसीलिए शायद वाइड का इशारा नहीं दिया अंपायर ने। बैट्समैन के साथ लाइन भी मूव होती है यहाँ पर, इंटरनेशनल में हम देखते हैं ट्रैम लाइन के बाहर। तीन गेंदे 17 रन, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, उम्दा डिलीवरी यहाँ पर सुशील की, डॉट बॉल का इशारा और इसी डॉट बॉल के साथ होप्स भी यहाँ पर निराश होते हुए यहाँ पर चैलेंजर्स की टीम के प्लेयर्स। दो गेंदे बाकी, दो गेंदों में 17 रनों की जरूरत, अभी केवल औपचारिकता रह गई है यहाँ पर, फॉर्मेलिटीज के लिए दो गेंदे डालेंगे अभी यहाँ पर सुशील। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर सुशील ने आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में, दो गेंदे बाकी और ये रिवर्स के लिए ट्राई किया है मगर बॉल लगी नहीं, बॉल लगी बॉडी को और एक और डॉट बॉल और लास्ट बॉल, एक गेंद में 17 रन जो कि इम्पॉसिबल है। फॉर्मेलिटी के लिए आखिरी गेंद डालेंगे यहाँ पर बिल्ली, सुशील शिंदे उर्फ बिल्ली और इसी के साथ ब्लॉक होल में डाल दिया गेंद और इसी के साथ मैच को जीत लिया यहाँ पर। 44 रन्स डिफेंड करती हुई टीम यहाँ पर, 44 रन्स डिफेंड करती हुई यहाँ पर वॉरियर्स लायंस की टीम, अपना कौन सा